क्या स्ट्रेटजी है पर्वत साहब, कैसा फील कर रहे हैं आज पार्लियामेंट आते हुए? कभी सोचा था कि पार्लियामेंट जाएंगे? हमेशा सोचा था। और सब पहले तो ये कहेंगे कि आप बड़े खुशहाल दिखाई दे रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, और अगले 5 साल के लिए क्या विजन है, क्या विजन लेके आए हैं आज पार्लियामेंट में? देख लें, सरप्राइज देंगे सर आज? सरप्राइज क्या, जो अजनबी लोग हैं पार्लियामेंट में, जो फॉर्म 47 पे आए, जो MNAs नहीं है और आज बैठे होंगे, उनके बैठने का कोई हक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पूरी कौम का मैंडेट चोरी करके अब यहाँ पे कहेंगे कि हम हुकूमत बना रहे हैं, तो लिहाजा इन लोगों को ये सीटें हजम नहीं करने देंगे। सर, इन 5 सालों में क्या करेंगे? सर, इन 5 साल में क्या करेंगे? भरपूर एहतजाज करेंगे सर, तंजो जो कमी रह गई है वो आज सर आवाम के लिए क्या करेंगे? आवाम के लिए आज तो पहला दिन है ना करने का। 5 सालों में क्या करेंगे? 5 साल तो अभी है, देखते हैं। तो तेज जुमलों का तो मतलब होगा आज लगता है आपकी तरफ। दो तेज जुमले तकरीर तैयार की है रास्ता छोड़ बस मरवा साहब जी, तकरीर में कभी तैयार नहीं करते सर। आवाम ने आप पे एतमाद किया है, आपको जिताया है, इस मुकद्दस ईवान तक पहुँचाया है, आवाम के लिए क्या करेंगे? आवाम के लिए जी, अगर ये हमें करने दें, आवाम ने जिनको जिताया है और हुकूमत बनाने का मैंडेट दिया है, उस पे तो चोर बैठ गए हैं, उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। ये 5 साल एहतजाज में गुजारेंगे? नहीं, 5 साल क्यों एहतजाज में गुजारेंगे? साहब ये अपोजिशन लीडर का फैसला होगा, अपोजिशन लीडर कौन होगा? खान साहब फैसला करेंगे। मरवत साहब, इस वक्त आपकी क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं, जिन जिन आवाम के वोट से आप इलेक्ट होकर आए, उन्हें क्या पैगाम देंगे? दिल में ख्वाहिश है कि जिन्होंने हमें वोट दिया है, हम उनकी खिदमत करें। हमारे मुल्क को ज़रूरत है आवाम के लिए कि हम उनको कानून की हुक्मरानी दें, समाजी इंसाफ, और जो हमारा बोसीदा सड़ा हुआ निज़ाम है इसकी ओवर हॉलिंग के लिए हम कुछ करें। आपने प्रोटेस्ट की दोबारा कॉल दी है, इमरान खान इंशाल्लाह पूरे ऐवान में नजर आएगा। आपने प्रोटेस्ट की दोबारा से कॉल दी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने देंगे आपको? जी, प्रोटेस्ट करने दें या न करने दें, लास्ट टाइम भी इन्होंने न करने दी, हमने किया, अब फिर भी करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब, अभी आपने कहा कि आप आज भरपूर एहतजाज करेंगे अंदर, क्या तरीकाकार होगा, किस तरह का एहतजाज होगा आज का? बस जो भी तरीकाकार है आप अंदर देख लें। सरप्राइज होगा? सरप्राइज क्या होगा, एहतजाज होगा। थैंक यू सर। फोटो तो सर टीवी पे दिखाने पे पाबंदी है। जी सरताज गुल साहब, आज पहला दिन है आपका, कैसा लग रहा है कौमी असम्बली में आपकी वापसी हुई है? ज़ाहिर बात है, जुल्म, जबर, बर्बरियत और सियासत तो नहीं थी हमारे साथ, तो दुश्मनी की गई। उसके बाद इमरान खान के वोट के ऊपर यहाँ तक वापस ऐवान में पहुँची हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ज़ाहिर बात है, सबसे पहले तो इमरान खान को रिहा होना चाहिए, उनकी बेगम के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, फिर जो हमारे सियासी कारकुनान हैं और स्पेशली जो खवातीन हैं उनकी रिहाई का मैं मुतालबा करने के लिए आई हुई हूँ। आज आप इलेक्शन जीत कर आई हैं, लड़के आई हैं, अपने आवाम से जो वादे किए हैं वो किस हद तक पूरे कर पाएंगी इन 5 सालों में? आवाम ने मुझसे जो वोट दिया है ना और जो मुझसे वादा लिया है, उन्होंने मुझे कहा है कि कैदी 804 इमरान खान की जाके आपने बात करनी है। उन्होंने जब मुझे नाली सोली इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने मुझे नहीं दिया, उन्होंने मुझे कहा है कि आपने जाके इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए आपने जाके बात करनी है। मैडम, एक जाने पे तहरीक इंसाफ जो है वो आज़ादी चाहती है, दूसरी जाने IMF से ही पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत करने के लिए, यानी कि जितने सियासी मुखालफीन है PDM वाले, वो ये मानते हैं कि जब तक इमरान खान का ट्रस्ट ना हो इनको कोई 20 रुपए भी नहीं देता कर्ज में, यानी ये वो मान लें फिर। मैडम आप इमरान खान का फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, अमेरिका समेत बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये धांधली सता है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी किया है, आप क्या इस हवाले से कहेंगे? प्लीज़ हम देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें बिल्कुल धांधली हुई है, और इस मरतबा तरीक़ेकार जो अडाप्ट किया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो ये था कि बाद में जब सारा कुछ पीसफुली हुआ और फॉर्म बने और प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिजल्ट तैयार किया, उस रिजल्ट को फॉर्म करके उससे प्रोविजनल रिजल्ट नहीं तैयार किया गया, तो ये एक नए किस्म का एक फिफ्थ जनरेशन रिगिंग हुई है, इसलिए नहीं होने चाहिए। देखो असल मकसद ये है कि ये पार्लियामेंट मजबूत हो।
और यही मकसद होता है जमहूरियत का, इसके इस पार्लियामान के अंदर सिर्फ वो लोग जाएं जो जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह सकता है। ये वो सूरत मुमकिन है जब उसके पास मैंडेट हो। किसी का मैंडेट चोरी करके इस ईवान में एंटर होना ये जमहूरियत के रूह के मुनाफिक है। ऐसा हर किसी ने नहीं, देखो साल चले डेढ़ साल चले जब चले आईन और कानून के मुताबिक चले, और हम तो चाहते हैं यही है कि अगर असल मैंडेट हमारे पास आ जाता है पार्लियामान को हमेशा अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली में, जहां पर आज इम्पॉर्टेंट डे है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल दिन इसलिए है कि 2024 के इंतखाबात के बाद जो जो लोग मुंतखब हुए हैं वो आज असम्बली पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अगर बात की जाए तो उनमें आपसे कुछ लम्हे पहले अली मोहम्मद खान, उमर अयूब, शेर अफजल खान मरवत और दीगर जो रहनुमा है जरताज गुल साहिबा वो भी पहुंची हैं। इसके साथ साथ नून लीगी जो रहनुमा है वो भी इस वक्त जौक दर जौक पहुँच रहे हैं। आज के इस दिन की ख़ास बात यह है कि आज के इस इजलास में जो हमारी बात हुई है अभी पीटीआई के रहनुमाओं से, उन्होंने कहा है कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे, और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो जो रहनुमा यहाँ पर आ रहे हैं उन्होंने इमरान खान की एक तस्वीर भी अपने हाथों में पकड़ी हुई है, और वो तस्वीर कौमी असम्बली के अंदर लहराई जाएगी, दिखाई जाएगी एहतजाज के तौर पर, और ये मैसेज दिया जाएगा, खामोश मैसेज होगा अपने कायद इमरान खान के लिए उनकी तरफ से। इसके साथ साथ अगर हम आज के दिन की बात करें तो सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बाहर जो मेन गेट है वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है, किसी भी गैर मुतालिका शख्स को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है, और स्पेशली कुछ मखसूस पासिस भी जारी किए गए थे वो भी आज सब मनसूख कर दिए गए हैं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। तो ये मेरा कप आप देख सकते हैं, ये सामने मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और 10 बजे का टाइम है, आपसे कुछ ही लम्हों में ये जो इजलास है वो शुरू होने जा रहा है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी कोशिश होगी कि एक्सक्लूसिव मनाजिर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ यहाँ से आप तक पहुँचाए जाएँ, और आज जो कुछ होगा जेके पॉइंट आपके सामने रखता चलेगा। साल के लिए क्या आपका रोड मैप है, क्या विजन है? एक जदोजहद है, एक जस्तजू है, एक ऐसे पाकिस्तान की जिसका ख्वाब जिन्हा ने देखा था, जहाँ आप और इन बड़ी गाड़ियों में आने वाले लोग एक बराबर हों, कानून में बराबर हैं, अमल में लाने की सारी तहरीक है कि इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, और आज अल्लाह ने साबित कर दिया अल्लाह अलहक है। आज से 22 महीने पहले मैंने ये बात की थी कि दो तिहाई से मेरा लीडर आ गया आएगा, और अल्लाह के करम से 178 से 180 सीटें हम जीत चुके हैं। वो अलहदा बात है कि फॉर्म 47 में हमारे साथ धांधली हुई है, अल्लाह के करम से, अल्लाह के करम से अल्लाह ने बहुत इज्जत रखी। जिन लोगों का ये ख्याल था, जिनकी ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है, इमरान खान साहब के लोग ख़त्म हो गए हैं, खान साहब की तहरीक ख़त्म हो गई है, ये फारिग हो